वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग कहाँ भी हो, मैं यहाँ पर आपको बेसिक कोर्स फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज बेसिक कोर्स फ्री सीखिए फुल डिटेल डीपली। अगर आपको नहीं लगता, अगर आप नहीं सीखना चाहते, जो आपका फ्रेंड, आपका मित्र या पड़ोसी जो भी सीखना चाहता है, उसको इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, यूट्यूब की चैनल की लिंक शेयर कीजिए और वो फ्री में बेसिक कोर्स सीख सकता है यहाँ पर। चलिए, तो आज के हमारे टॉपिक में बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है नोटपैड। तो नोटपैड क्या है और कैसे काम करता है, उसका यूज क्या होता है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, उसे कैसे स्टार्ट करेंगे और उसके फाइल मेन्यू के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं पूरी हरि प्रसाद आपका स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द नोटपैड, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। तो नोटपैड क्या है? नोटपैड इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों? बिकॉज ये सॉफ्टवेयर आपको विंडोज के साथ फ्री मिलता है, उसके साथ बिल्टेड आता है, इसलिए हम उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगर आप उसमें विंडोज के अंदर अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल डॉ, व्हाटएवर, कोई भी चीज, तो वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से चलते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि नोटपैड एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ये एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। क्या है? टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि आप इसके अंदर नॉर्मल टाइपिंग करने का इसका काम कर सकते हो। जैसे कि ज़्यादातर ऑनलाइन टाइपिंग की हमें जॉब मिलती, जिसमें हम बुक्स राइटिंग करनी होती, तो ज़्यादातर लोग नोटपैड का यूज़ करते हैं, जिसमें फटाफट अपना वो कंटेंट को नोटपैड में बनाना पड़ता है और उन फाइल को बना के पार्टी को सेंड करना पड़ता है, तो नोटपैड का यूज होता है। देन आपने इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क किया, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। फिर हम बात करते हैं कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या है। एक्सटेंशन नेम जैसे कि हमारे नाम का एक कास्ट होता है, जैसे कि आई एम, दिस इज अ कोरी हरि प्रसाद, दैट इज कोरी इज माई टाइटल ऑफ माई नेम, बिकॉज टाइटल से मेरे लोग मुझे जल्दी आसानी से ढूंढ सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्स होते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स का एक ना एक एक्सटेंशन नेम होता है, उस एक्सटेंशन नेम से ही उन फाइल्स को पहचाना जा सकता है। बात समझ में? तो वैसे ही नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। .txt का फुल फॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट होता है। अब .txt क्या होता है कि अगर जब आप कोई फाइल बनाकर उसे सेव करते हो तो आपको क्या है, उसके लास्ट नाम पहले लिखा रहेगा, देन आफ्टर डॉट लगा के txt लिखा रहेगा। .txt लिखा रहेगा तो यानी कि ये किसकी फाइल है? नोटपैड की फाइल है। अगर कोई फोटो है तो फोटो में क्या होगा, फोटो का नाम, फिर उसके बाद .jpg या .jpeg रहेगा। मतलब जिस प्रकार अगर एमएस वर्ड की फाइल है तो एमएस वर्ड की फाइल होगी तो नाम रहेगा, देन उसका क्या लिखा रहेगा, एक्सटेंशन है .docx। तो मतलब जो लास्ट का एक्सटेंशन है उससे हम उस फाइल को आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए उनका एक्सटेंशन नेम होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम नोटपैड को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हम बात करने वाले इसमें तीन तरीके और एक चौथे तरीके से बात करेंगे कि हम नोटपैड को स्टार्ट करेंगे। पहला तरीका क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में जाइए और स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है। उस मेन्यू के अंदर स्क्रोल कीजिए, अगर आपका विंडो 10 है तो स्क्रोल करके नीचे आएंगे तो वहां पर आपको विंडोज एक्सेसरीज ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? विंडोज एक्सेसरीज ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कीजिए, देन आफ्टर नीचे आएंगे तो वहां पर आपको नोटपैड मिलेगा और उस पर आप क्लिक कीजिए, आपका नोटपैड स्टार्ट हो जाएगा। सेम एडिटर अगर आपका विंडोज 7
तो स्टार्ट क्लिक कीजिए, देन स्क्रॉल कीजिए, उसमें मिलेगा आपको एक्सेसरीज। उसमें क्या मिलेगा? एक्सेसरीज, और उसमें आपको नोटपैड मिल जाएगा। दूसरे मेथड की बात करते तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो हमारा एक सर्च बॉक्स नीचे ही दिया होगा, तो सर्च बॉक्स को क्लिक कीजिए कर्सर से, और उसमें आपको नोटपैड टाइप करना है। क्या करना है? नोटपैड टाइप करना है, और तुरंत आपको नोटपैड का आइकॉन ऊपर आ जाएगा, और उस पर क्लिक कीजिए, नोटपैड स्टार्ट हो जाएगा। ये था दूसरा तरीका। तीसरे तरीके की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे तरीके में क्या होता है कि हमें रन बॉक्स लाना। तो रन बॉक्स कैसे लाएंगे? तो रन बॉक्स को लाने के लिए आपको विंडो की प्लस आर प्रेस करना है। विंडो की प्लस आर प्रेस करोगे तो आपका रन बॉक्स ओपन होगा। ये रन बॉक्स के अंदर सर्च बॉक्स है, उसमें आपको फिर से नोटपैड ही लिखना है, देन उसके ओके बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये था तीसरा तरीका। अब हम बात करते हैं चौथा तरीका। चौथे तरीके का डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब कि आप एक काम कीजिए कि आप राइट क्लिक कीजिए। क्या करना है? राइट क्लिक कीजिए माउस से डेस्कटॉप के ऊपर, और उसमें आप देखेंगे तो एक न्यू ऑप्शन मिलेगा। न्यू ऑप्शन में आप एरो में जाएंगे तो वहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट नाम से एक फाइल मिलेगी, उस पर आप क्लिक कीजिए और वो न्यू डॉक्यूमेंट नाम से फाइल बनेगी, और वो आपकी नोटपैड की फाइल में जनरेट हो जाएगा, और फिर उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे देन नोटपैड की ही फाइल ओपन होगी। तो ये चौथा तरीका है, लेकिन हमारे तीन तरीके मैंने तीन तरीकों से मेथड का यूज हो सकता है, और ये आपको रिमेम्बर करके रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इन स्टेप्स को आपको नोट डाउन कर लेना है और लिख लेना है कि किस तरीके से हमें ओपन करना होता है। आई होप यू आपको आइडिया आता होगा कि किस तरीके से ओपन होता है। अब हम बात करते हैं विंडोज की, नोटपैड की विंडो की बात करते हैं। तो जैसे ही आप नोटपैड ओपन करोगे तो उसकी स्क्रीन आप देख रहे होंगे, पूरी स्क्रीन आ रही है। इस स्क्रीन के टाइटल बार की अगर हम बात करते हैं तो टाइटल बार का अगर आप देखोगे तो वहाँ पर अनटाइटल नोटपैड लिखा होता है। अनटाइटल नोटपैड अभी इसलिए लिखा है क्योंकि इस फाइल को अभी तक हमने सेव नहीं किया है। अगर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? फाइल का नाम और नोटपैड। फाइल का नाम और नोटपैड, तो यानी टाइटल बार पे अनटाइटल नोटपैड लिखा होता है। देन आकर अगर आप उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखेंगे तो वहां पे आपको टोटल कितनी? तीन बटन मिलते। कितनी मिलती? तीन बटन। तीन बटन कौन कौन थी? पहली मिनिमाइज, दूसरी मैक्सिमाइज, तीसरी क्लोज। क्लोज से आप नोटपैड प्रोग्राम को बंद कर सकती हैं। मैक्सिमाइज में जब वो ऑलरेडी बड़ा है, मैक्सिमाइज है, तो उसको रिस्टोर डाउन करके हम छोटा कर सकते हैं, क्लिक करके आप देख सकते हो, और छोटा है तो फिर क्लिक करते तो बड़ा हो जाता है, और मिनिमाइज उस प्रोग्राम को मिनिमाइज करके टास्क बार में रखने के लिए होता है, और फिर टास्क बार पर क्लिक करो तो वो वापस मैक्सिमाइज हो जाता है और वो बड़े साइज में आ जाता है। इस तरीके से उसकी बटन होती है। देन अगर हम उसके सेकंड पार्ट की बात करें टाइटल बार के बाद नीचे की, तो वो है आपका मेन्यू बार। क्या है? मेन्यू बार, जिसके अंदर आपको फाइल एडिट फॉर्मेट ये सारे ऑप्शंस एंड व्यू हेल्प ऑप्शंस मिलते हैं, जिसे हम मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे आपका पूरा पेज ब्लैंक है। अगर हम हमारे लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे हल्का स्क्रोलिंग बार दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप क्लियरली करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वो स्क्रोल बार ओपन तब होता है जब हमारा नोटपैड का नॉर्मल पेज फुल हो जाता है, फिर नेक्स्ट नीचे की ओर लिखते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्क्रोल बार ओपन आ जाता है। उस एरिया को हम स्क्रोल बार पट्टी को स्क्रोल बार कहते हैं। वो वहाँ पर आपको दोनों तरीके से मिलेगा, वर्टिकली भी मिलेगा और हॉरिजॉन्टली भी मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे का पार्ट जो होता है वो होता है स्टेटस बार। क्या होता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार के कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो वहाँ उसके विंडोज की कोड, लाइन नंबर, बगे और जूमिंग, ये भी लेटेस्ट में है। जूम ऑप्शन भी उसमें शो होता है कि आपका कितना जूम हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती। और स्टेटस बार के बाद नीचे का आपको तो पता ही ये क्या होगा, ऑब्वियसली टास्क बार। टास्क बार में तो पूरी जानकारी विंडोज की होती है वो टास्क बार, तो वहाँ पे टास्क बार आपको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे नोटपैड का।
तो पहले काम क्या करूँगी, आप नोटपैड के पेज में कुछ अपने हिसाब से टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, हेलो आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर गिविंग मी गोल्डन चांस टू स्पीक ओवर हियर, क्लियर। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसका सारे मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। उसमें आपको पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है न्यू। तो न्यू का ऑप्शन का आपको पता है कि न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। जैसे ही आप उसमें अगर आपने पेज के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख के रखा और न्यू पे क्लिक करें तो वो क्या करेगा, तुरंत एक पॉपअप बॉक्स यहाँ पे खुलेगा। पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें आपको सेव, डोंट सेव और क्लोज तीन ऑप्शन पूछता है। तो पहला होता है सेव कि आप जो फाइल अभी टेक्स्ट में लिखी हुई है उसमें आप कुछ लिखना उसे सेव करना चाहते हो तो उसे सेव पे क्लिक कीजिए। अगर उस फाइल को सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक करते ही वो बंद होके नोटपैड से नया पेज दे देगा। और क्लोज करने का मतलब होता है जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसे क्लोज करना होता है, तो उसके लिए उसका ऑप्शन होता है। अगर वो फाइल ऑलरेडी सेव होती है और न्यू पे क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली नया पेज आ जाता है। फिर अब यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ रहा है, न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि मैंने ऑलरेडी एक नोटपैड का विंडो ओपन करके रखा है लेकिन मुझे एक और मल्टीपल वर्क करने के लिए एक और विंडो चाहिए, तो न्यू विंडो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक और नया विंडो ओपन हो जाता है। तो उसके लिए इसमें नए विंडो 10 के अपडेटेड वर्जन में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि न्यू विंडो से मल्टीपल जितने चाहे विंडोज ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल्स। तो इसमें ये फैसिलिटी इसको होती है। फिर उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिल रहा है, ओपन। ओपन का काम क्या होता है कि आपने पहले से ही कोई फाइल सेव करके रखी, जैसे एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे फाइल एंड देन ओपन पे क्लिक। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको इतना रिमेम्बरिंग याद रखना है कि आपने अपनी फाइल कहाँ पर सेव की उस लोकेशन पे जाना है। तो मैं इस अपने लोकेशन पे जाके नोटपैड की एक फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया तो वो क्या हो गई, फाइल ओपन हो गई। तो ओपन से क्या होगी कि ऑलरेडी सेव फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। देन थर्ड फिर आता है आपका सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन क्या होता है कि जो हमने नई फाइल बनाई थी आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर गिविंग वाली, तो अगर मैं उसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करूँगा और मेरा एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। इस पॉपअप बॉक्स में क्या होगा कि पहले तो आप ये डिसीजन ले लीजिए कि आप उसको कहाँ सेव करें, क्योंकि आपको रिमेम्बरिंग रहना चाहिए कि आप अपनी फाइल को कहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो पहले मैंने लोकेशन सेट कर दी, देन आफ्टर यहाँ पर टाइप हेयर द नेम में नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। सेव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम सेव कर सकते हैं। अब आती है उसके नीचे ऑप्शन आता है सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन क्या होता है कि आप जो फाइल आपने पहले से ही सेव की है, बराबर जो फाइल आपने पहले से ही सेव की है उस फाइल को वापस सेव करना है लेकिन किसी अनदर नेम से, तो हम उसके लिए सेव एज ऑप्शन यूज करते हैं। इसका सेव एज ऑप्शन, जैसे एग्जांपल अभी हमने इसको सेव किया फाइल, देन मैंने वापस सेव एज पे क्लिक करता हूँ, फाइल एंड सेव एज, तो ये सेव हुई फाइल है तो उसी का नाम आ रहा जो हमारा पुराना नाम है, उसको मैंने यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा नाम अमन लिख देता हूँ और उसे सेव करता हूँ। तो ये क्या होगा, नए नाम से फाइल सेव होगी अमन, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, सेव से हम अपनी फाइल को पर्टिकुलर या गलत हो गया या गलत नाम से सेव हो गई तो हम उसे सेव के द्वारा उसके नए नाम को देख के उसे सेव कर सकते। तो इस तरीके से उसे आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके जस्ट नीचे आपका ऑप्शन आता है पेज सेट। पेज सेटअप की अगर हम बात करते तो ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पेज सेटअप के अंदर क्या होता है कि आप अपने पेज की साइज, मार्जिन्स और ओरिएंटेशन, ये पांच चार तीन चीज़ों को आप सेट करेंगे, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को सेट नहीं करेंगे तो आपका फाइल साइज कौन सी है या पेपर साइज क्या है, मार्जिन क्या है, वो आपको पता
नहीं होगा। अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो मैंने इससे नॉटपैड से रिलेटेड कई सारे ट्रिक्स पहले से बना के अपलोड किए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने बताया है। एक तो मैंने बताया कि नॉटपैड में आप नॉटपैड की फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, दूसरा मैंने बताया है कि पीडीएफ फाइल को नॉटपैड में कैसे कन्वर्ट करें। फिर पेज सेटअप से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है कि नोटपैड के अंदर हेडर एंड फुटर के द्वारा हम हेडिंग और फुटर अंदर फुटर कैसे डालते हैं, कैसे उसका सेटिंग करते हैं, ये सारे ऑप्शंस के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हैं। वो अगर नहीं मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सबकी लिंक एक साथ मिल जाएगी। तो पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो पेपर साइज आएगा जिसमें आप A4 पेपर लेंगे। मार्जिन्स में आप अपनी मार्जिन पेज के चारों तरफ सेट कीजिए। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पेपर सीधा प्रिंट मार रहे हो सीधा बराबर लंबा तो उसे हम क्या बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर उसको आड़ा प्रिंट मार दो तो उसको क्या बोलते हैं लैंडस्केप। उसको हम ओरिएंटेशन के थ्रू सेट करते हैं। देन सेट करने के बाद उसे आप सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। ये होता है उसका सेट। फिर उसके जस्ट नीचे क्या है प्रिंट। अब प्रिंट पे क्लिक करोगे फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करो डायलॉग बॉक्स आएगा। सबसे पहले वो पूछता है सेलेक्ट योर डिवाइस। सेलेक्ट योर डिवाइस तो डिवाइस में क्या होगा कि आपका जो प्रिंटर होगा उस प्रिंटर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे पूछता है कॉपीज, कितनी कॉपीज आपको उसकी प्रिंट निकालनी है, वो नंबर ऑफ कॉपीज वहाँ पे लिखिए। देन आप सीधा प्रिंट पे क्लिक कीजिए। आपकी जितनी भी कॉपी होगी वो फटाफट उसको प्रिंट करेगा। उसमें आपको कोई ज़्यादा झंझट मानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ कंपनी में जाओगे तो प्रिंटर ऑलरेडी सेटअप किया हुआ दिया जाएगा। नहीं होगा तो उससे रिलेटेड भी मैं बाद में वीडियो बना के तो डाल दूंगा कि आप प्रिंटर कैसे सेटअप। चलिए इस बात को छोड़ते हैं। देन आफ्टर सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब यानी कि नोटपैड के प्रोग्राम से बाहर। बात समझ में? अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है और इंटरेस्टिंग लगा है कि आपको जानकारी काफ़ी फेयरफुली लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ काफ़ी शेयर कीजिए। और बोलिए कि अगर आपको फ्री में नॉन बेसिक कोर्स सीखना है तो प्लीज़ एक्सपर्ट एजुकेशन सीएनई इंस्टीट्यूट चैनल पर विजिट करें और फ्री में बेसिक कोर्स की ट्रेनिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प रहेगा, जिसका हमारा नोटपैड पार्ट 2 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।